हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जिसे हम पूरा इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, स्टेट द एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाई कुड द क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन देम? हाउ डिड आइंस्टाइन एक्सप्लेन इट बाय द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी? यानी कि हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन स्टेट करना है, और क्यों क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई इसे एक्सप्लेन करने में, और कैसे आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू इसे एक्सप्लेन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्स रेज आर मेड टू फॉल ऑन एनी मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड दे बिगिन टू इमिट फ्रॉम इट। दिस फिनोमेनो इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स सो इमिटेड आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर एक्स रे गिरती है, तब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और उसी फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स उससे इमिट आउट होते हैं, उस मेटल सरफेस से इमिट आउट होते हैं, उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑक्यूर्स ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इज ग्रेटर देन अ डेफिनेट मिनिमम वैल्यू न्यू नॉट। दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन मेटल सरफेस। यानी कि जब भी उस मेटल सरफेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी न्यू होती है वो ग्रेटर होती है उसकी मिनिमम वैल्यू न्यू नॉट से। यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मिलते ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना स्टार्ट कर दे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट गिवन मेटल सरफेस। सेकेंड पॉइंट है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं उनकी किस पर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। अब जानते हैं क्लासिकल थ्योरी क्यों फेल हो गई इसे एक्सप्लेन करने में। पॉइंट वन था अब्सेंस ऑफ टाइम। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस विद अ फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इमीडिएटली फ्रॉम द मेटल सरफेस। इवन फॉर लो इंटेंसिटी रेडिएशन दिस अब्सेंस ऑफ लैग टाइम कंट्राडिक्ट्स क्लासिकल फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग इन विच इरेडिएटेड इलेक्ट्रॉन्स वुड टेक अ सिग्निफिकेंट टाइम टू गेन एनर्जी बिफोर दे कैन लीव द मेटल सरफेस। सेकेंड है, डिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। यानी उन काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। थर्ड है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एवरी मेटल सरफेस हैज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ फ्रीक्वेंसी बिलो दिस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कैन नॉट इजेक्ट अन इलेक्ट्रॉन। बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एनी इंसिडेंट रेडिएशन विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इफ गिवन सफिशियंट टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गेन द एनर्जी।
यानी कि अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एवरी मेटल सरफेस हैव अ थ्रेशोल्ड एनर्जी सॉरी फ्रीक्वेंसी, हर मेटल सरफेस की अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बिलो होती है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनी इंसिडेंट रेडिएशन विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इफ गिवन सफिशिएंट टाइम फॉर द इलेक्ट्रॉन टू गेन द एनर्जी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग कोई भी इंसिडेंट रेडिएशन, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्यों ना हो, अगर उसे मिलेगी तो वो उसे एक सफिशिएंट टाइम देगी जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को गेन करके इजेक्ट हो पाए। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस द एनर्जी ऑफ ईच इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज यूज्ड इन टू वेज, इसे टू वेज में यूज किया जा सकता है। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप इन मेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यानी कि एनर्जी का थोड़ा पार्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल सरफेस से फ्री होने में हेल्प करेगा, उस एनर्जी को कहेंगे हम उस मेटल का वर्क फंक्शन। सेकेंड है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, यानी बची हुई एनर्जी का जो पार्ट होगा उसे हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, यानी वो हम उस किस लिए यूज करेंगे, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी देने में। चलिए अब हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। द एनर्जी इम्पार्टेड बाय अ फोटोन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। एच न्यू इज इक्वल्स टू ई के प्लस फाइव, ई के इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव हो जाएगा। अगर न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट होता है देन ई के इज इक्वल्स टू जीरो, न्यू जीरो होता है तो जीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, फाइव इज इक्वल्स टू एच न्यू। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड सेम, ई के इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ई के इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट, इनकी वैल्यू हमने पुट कर दी। और यही जो थर्ड एक्सप्रेशन आया है इसी को आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, और यही एक्सप्रेशन इस लॉ को एक्सप्लेन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।